राजेश जी, मतलब कि आप जो ये आग लगने वाला मुद्दा है राजस्थान में, वहां से लगातार जुड़े हुए हो, तरकशील सोसाइटी से भी आप जुड़े हुए हो, काफी लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, तो तरकशील सोसाइटी क्यों ना पहुंच रही वहां पे? सर बात ऐसे है, मैं तरकशील सोसाइटी प्रेसिडेंट हूँ और लगातार से मैं भी इस मामले पे नजर बना रहा जी, और बहुत से पत्रकारों से मेरी बात हुई है, एक वहाँ एडवोकेट था उससे भी बात हुई जी और उस गांव के सरपंच से भी बात हुई। जी हम बार बार ये कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, जी बिल्कुल फ्री में इस केस को सोल्व करेंगे, गारंटी से ठीक करेंगे। और एसपी साहब से भी आज सुबह ही मेरी बात हुई थी, जी तो एसपी साहब ने पूछा आप कैसे करते हो, मैंने बताया कि हम इसको ठीक कर देंगे और सिर्फ हमें ये चाहिए कि वो फैमिली हमें कोऑपरेट करे। जी इससे पहले भी बहुत से मैटर आए, हम फैमिली से लिखित में लेते हैं कि हमने तरकशील सोसाइटी को बुलाया है और हम अपनी मर्जी से इलाज करवा रहे हैं जी और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, जी तो कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सरपंच साहब से बात हुई, सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैं इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता और पता नहीं वो फैमिली तैयार होगी या ना होगी काउंसलिंग के लिए। तो एसपी साहब ने भी यही बात कही थी कि गांव का मैटर है जी, तो पहले गांव क्या करता है फिर हम आपको बता देंगे। इसलिए मैंने एसपी साहब को और नीचे कोई थाना प्रभारी था उसको भी नोटिस में दे दिया कि आप कभी भी हमें कॉल करके बुला सकते हैं और हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो जी, जहाँ तक मतलब आप नजर बनाई हुई इस पूरे मामले पे, लगातार संपर्क में हो, लोगों तक पूछने लग रहे हो, तो क्या इलाज है, मतलब जिस तरह आपने हजारों के सोल भी करे हैं अब तक, क्या कहना चाहोगे इस मामले पे? तीन मौतें भी हुई हैं परिवार में। हाँ जी बिल्कुल, और मैं इसीलिए इस मामले की तह तक पहुंचने लिए आप सभी जितने भी पत्रकार हैं उनकी सभी की वीडियो में देख रहा हूँ कि कौन क्या बयान वहाँ दे रहा है जी, और अभी यहाँ इतनी दूर बैठे ये कहना तो नामुमकिन है कि ये आग लगा कौन रहा है जी लेकिन ये मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि दुनिया का कितना भी तगड़ा तांत्रिक हमारे सामने ऐसे एक कपड़ा रखेंगे आग लगा दे तो हम उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। जी मतलब आप ये मानो भाई, ये पूरी घटना है, कोई कर रहा है चाहे परिवार का हो बाहर का हो, लेकिन भूत पिशाच ऐसी भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं है इसमें? नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये हाँ। जो भी कर रहा, ये नहीं कहते कि अगर जो कर रहा है वो कोई जानबूझ के कर रहा, हो सकता है कि वो मानसिक रूप से इतना डिप्रेशन में चला गया हो, उसको सब कुछ खत्म करने की सोच लियो कि सब कुछ खत्म करना है। हाँ, उसका कोई मानसिक रोगी हो। हाँ हाँ उस वो डिप्रेशन में आके ही वो करता है, न कि कोई जानबूझ के। और यही है, हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि हमारा संदेश उन तक पहुंचाओ जी। और इसी तरह का पहले मामला किर्तान गांव का था, वहाँ डीसी साहब ने हमें बुलाया था, वहाँ ये तो एक घर में आग लगती, वहाँ पूरे गांव में लगती थी। देखो जी, मतलब ये आग फिर किस तरह लग गया है, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? आग अपने आप नहीं लगती, मतलब कोई लगाव या तो परिवार का हो चाहे बाहर का हो, बंदा हाँ, है तो ये बंदा हो सकता है कोई भी हो लेकिन आग अपने आप नहीं लगती। आप देख लो कितने वहाँ कहते हैं कि सियाणे तांत्रिक उनको लूट के भी ले गए, तो वो जो सियाणे तांत्रिक वो जो ये कहते हैं कि ये तो कोई विद्या है किसी ने करवा रखी है, अगर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ अगर कोई भी ऐसी विद्या हो बोलता हो भाई मैं एक ये विद्या जानता हूँ ऐसी आग लगा सकता हूँ तो उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे, उसके सामने ऐसे कपड़ा रख देंगे वो उसमें आग लगा दे मंत्र से। राजेश जी, पता है कि मामे भी 2 दिन ऑर्डर रहे, मामे देखा मतलब कि हमारे सामने लगी बिल्कुल टूटी पड़ी थी, पास में मकान के पास में बैठ बैठ गए, आग लगी आग लगी, तो यार इसी देखो, सामने लगना। देखो हर एक विषय का विशेषज्ञ होता है जी, आपने इस फील्ड में काम नहीं किया जी, और जब हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आग लगी तो कैसे लगी और किसके कपड़ों में ज्यादा लगी, किसने इसको दिखाई दिया, तो इस तरह हम उस केस को सॉल्व करते हैं। जी
हो सकता है आपके सामने आग लगी हो, उससे पहले वहां कुछ आग का डाल रखा हो, एकदम तो नहीं ऐसे तूड़ी में आग लगती है गुस्से में, कोई ये नहीं कि वो एकदम से बढ़ पड़ता है, तूड़ी में आग लगती है तो धीरे 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 उठती है, वो फिर ऊपर आती है जी। और बहुत सी घटनाएं हैं जो देखी है, ज्यादातर यही आसपास का या कोई तो सिस्टम है जो ये कर रहा है, कल लेकिन कल वो आप, क्यों कल आपकी शायद एक एडवोकेट से भी बात हुई थी, जोड़ा देखा है मतलब कि सारा का जायजा लेकर आया, देखा आया बाकी माहौल थोड़ा का किस तरह का हाँ, परिवार की अवस्था है। उस एडवोकेट से मेरी बात हुई थी, एडवोकेट ने जाके सरपंच से बात की जी तो उसने काफी कोऑपरेट किया एडवोकेट ने कि मैं कोशिश करता हूँ जी, तो उसकी भी नहीं चली वहाँ, तो वही जवाब सरपंच ने, जब वो देखो जब गांव का मुखिया है और वो यही कह रहा है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मतलब जब देखो जी 2 दिन मामे भी रहे, माहौल और ऐसा है आसपास कि बंदा ने कहना पड़ा, हाँ भाई आग जो लगा है ना ये तंत्र मंत्र तो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है माहौल ही सा बने, आसपास गांव वाले बैठे हैं। नहीं, ये माहौल तो एक अंधविश्वास की गहरी जड़ है, पूरे देश में ही है ये तो माहौल, वहाँ वहाँ क्या वो तो भोले लोग हैं जिसको नहीं पता तो यही सोचेंगे कोई तांत्रिक विद्या है कोई शक्ति, वो तो सोचेंगे उनका कसूर नहीं है। और सर कल पुलिस वालों पर भी हमला होया है, मतलब कि पुलिस वाले पकड़ लिए, मारपीट करी, गाड़ी तोड़ दी, तो हाँ कहीं ये बात, वो नहीं आ रही कि क्राइम है, क्राइम को छुपाया जा रहा है शायद। हाँ लग रहा है, देखो वो एसपी साहब से मेरी बात हुई, एसपी साहब ने भी यही कहा कि कल हमारी गाड़ियों पे हमला हुआ और इसी तरह हमारे जो जवान थे वो भी भागकर उन्होंने पीछा छुटाया, जी तो बस और हम तो कर क्या सकते हैं, जब बार बार हम कॉल कर रहे हैं थाना प्रभारी को, एसपी को, जी या एसपी को हम ये तो कैसे बताएं इतनी दूर से कि कौन कर रहा है। और सर आपने तो मतलब हजारों मामले सोल्व किए इससे पहले तो काफी, जो बहुत हरियाणा बहुत की बात तरकशील सोसाइटी ने बहुत बड़े बड़े मामले, मैं कह रहा ये तो एक घर का मामला है, पूरे गांव में आग लगने वाला भी हमने सोल्व किया, जहां पूरे गांव में लगती थी, कभी किसी के खेतों में कभी कहीं। तो डॉक्टर साहब ये तो पक्का कंफर्म है कि भूत प्रेत तो नहीं लग दी आग, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बार बार हम यही कह रहे हैं ऐसी कोई शक्ति नहीं कि अपने आप आग लग जाएगी। हाँ कुछ मामलों में केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कहीं अगर कोई इस बात का जानकारी रखता है जैसे कपड़ों के केमिकल लगा दिया और कुछ टाइम बाद उसकी नमी सूखने के बाद वो अपने आप उसमें आग लग जाती, जी, मतलब ऐसा भी शायद हो सकता है। राजेश जी शायद ये तो पहला ही मामला हो जिसमें 3 मौत भी हुई है, उन नॉर्मली तो सुना आग लगी बुझा है दी या चोरी होगी, टूम उठगी, किसी का धन चला गया करता है, इसमें हाँ, 3 मौत भी शामिल है परिवार में। देखो ये मौत का जांच का विषय है, इस मामले में एकदम से ये कहना सही नहीं होगा कि ये भी किसी ने किया है, जी तो कोई डिजीज भी हो सकती है या किसी तरह, तो इस मामले में तो वो तो जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। चलो ठीक है राजेश जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर।